तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। मतलब आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वो अमाई के रिलेटेड होने वाला है। आज हमारे पास अमाई का 5A सेट है, उसका हम फुल हार्ड रीसेट प्लस अनलॉकिंग बताएंगे आपको। इसके अलावा हमारे अकाउंट लग जाता है उसका भी 100% हम सोल्यूशन बताएंगे आपको। वन क्लिक में जो है आप इसका सोल्यूशन कर सकते हो अमाई अकाउंट का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम हमारे मोबाइल की डिस्प्ले पर चलते हैं और उसको हम फॉर्मेट करके बताते हैं आपको। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये देखिए पासवर्ड लगा हुआ है, कस्टमर ने बोला कि हमारा पासवर्ड जो है लगा हुआ है। उसके अलावा दोस्तों इसमें FRP लॉक जो होता है, इसके अलावा जो FRP लॉक जो होता है वो भी लगा होता है। तो चलिए सबसे पहले करना क्या है दोस्तों, यहाँ से पावर ऑफ करेंगे कम्प्लीटली। ये देखिए दोस्तों हमारा जो मोबाइल है वो कम्प्लीट ऑफ हो चुका है यहाँ पर। तो अभी करना क्या है दोस्तों, देखिए अगर आप माइनस की का और पावर साथ में दबाओगे तो इसका जो दोस्तों इसमें फास्ट बूट जिसको हम बोलते हैं उस मोड में वो ये जो मोबाइल है वो चला जाएगा। तो अभी फास्ट बूट नहीं चाहिए दोस्तों हमें, हमें हमारा मोबाइल जो है सिंपली फॉर्मेट करना है। तो प्लस और पावर की को आप दबा के रखना है एक बार। तो ये देखिए दोस्तों अभी पावर का जो बटन है वो मैंने छोड़ दिया है यहाँ से, और ये देखिए यहाँ पे आपको वैल्यू आपका बटन जो है दबा के रखना है। अभी देखिए दोस्तों अब ऊपर आ चुका है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और पावर ऑफ पावर का बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों विप ऑल डाटा, इस पर हम क्लिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। तो यहाँ पे वेट करेंगे दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों हमारा जो मोबाइल है कम्प्लीटली ऑफ हो चुका है। कंप्लीट इसका जो डाटा है, इसका जो पासवर्ड है वो ओके हो चुका है। अभी हम रिबूट करेंगे और यहाँ पे वेट करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, ये देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा। किसी भी मोबाइल को हम फॉर्मेट करते हैं तो टाइम लगता है, आपको 4 से 5 मिनट लग सकते हैं। तो यहाँ पे वेट करना पड़ेगा आपको, ये देखिए। तो यहाँ पे वेट करते हैं हम थोड़ा। तो ये देखिए दोस्तों जैसे ही हमने फॉर्मेट किया है तो हमारे पास आ चुका है लिखा हुआ, ये देखिए दिस डिवाइस इज़ लॉक्ड। तो इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम होती है ये कब आता है ये भी मैं आपको बता दूं एक बार। जब भी हम हमारा मोबाइल जो है फॉरवर्ड करते हैं तभी दिक्कत आता है। ये जो दिक्कत है दोस्तों ये FRP लॉक का नहीं होता है, ये जो दिक्कत होता है दोस्तों ये हमारा अमाई अकाउंट का होता है। अब हमारा अमाई अकाउंट जो है लग चुका है इसमें। किसी भी भाई को अगर ये प्रॉब्लम आ जाता है तो आपको समझ लेना है कि आपका जो मोबाइल है दोस्तों उसमें अमाई अकाउंट जो है लग चुका है। तो सबसे पहले दोस्तों करना क्या है, हमें इसका जो मोबाइल है दोस्तों इसको EDL मोड में आपको करना पड़ेगा। उसके लिए आपको बैक का ढक्कन जो है दोस्तों ये आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो चलिए मैं एक बार बैक का ढक्कन जो है यहाँ पे रिमूव कर लेता। तो ये देखिए दोस्तों हमने जो है इस मोबाइल का जो है बैक ढक्कन प्लस ऊपर का जो कवर है दोस्तों इस पर नट लगे होते हैं वो हमने रिमूव कर लिया। अभी दोस्तों EDL मोड के लिए आपको सबसे पहले ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा बैटरी कनेक्टर है, और बैटरी कनेक्टर से हम जो हमारा बैटरी का बेल्ट है वो हम रिमूव करेंगे यहाँ से, ऐसे करना है। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको लेफ्ट में ये दो पिन दिख रहा है, पिन आउट दो हमारे पास प्रिंट दिखा हुआ है, ये देखिए दोस्तों ये मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। इन दोनों को आपको चिमटी वगैरह से या किसी से भी आपको शॉर्ट करना है। ये देखिए यहाँ पे एक ये है और एक ये, इन दोनों को शॉर्ट करना है। और शॉर्ट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमारा जो मोबाइल है उसमें आपको USB इंसर्ट करना है। तो चलिए अब हम एक बार PC की सहायता ले से और हमारे डेस्कटॉप पे चलते हैं और हम हमारे मोबाइल को जो है कनेक्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमने जो है हमारा USB कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक बार हमारा जो मोबाइल है जो वाइब्रेट मोड पे जाते हैं तो उससे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे और ये दोनों का दोनों शॉर्ट करेंगे। और हमारा जो PC है दोस्तों ये भी मैं आपको कंटिन्यू दिखा रहा हूँ। अब की बार जैसे ही हमारा मोबाइल जो है वाइब्रेट करेगा तो हमारा यहाँ पे ड्राइवर ले चुका होगा। तो ये देखिए दोस्तों हमारा जो मोबाइल है सक्सेसफुली ड्राइवर ले चुका है। अभी हम चलते हैं हमारे। तो ये देखिए दोस्तों हमारा PC पे आ चुके हैं हम। हमारा जो क्रैक वर्जन है दोस्तों मिरेकल टूल का वो हमने ओपन कर लेना है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों मैं। सबसे पहले दोस्तों हमारा जो देखिए कोलकम का जो
हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में हमारा जो पोर्ट है उसको रिफ्रेश करेंगे। पोर्ट हमारा 3 COM है दोस्तों, यहाँ पे भी 3 है, तो चेक कर लेने हैं आपको। अभी उसके बाद में क्लिक करेंगे दोस्तों एक्स्ट्रा पे। देखिए दोस्तों एक्स्ट्रा पे क्लिक करने के बाद में हम हमारा अमाई अकाउंट जो है वहाँ पे क्लिक करेंगे, अमाई अकाउंट अनलॉक। उसके बाद में दोस्तों जो भी आपका मॉडल रहेगा तो वो मॉडल सेलेक्ट करना है। मेरे केस में दोस्तों 5A है, तो हम 5A करेंगे। 5A सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों नॉर्मली आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देने, मोबाइल जो है आपका कनेक्ट है दोस्तों। कोलकम का ड्राइवर जो है दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। करेक्ट वर्जन भी है दोस्तों, उसका भी मैं दे दूंगा आपको, तो सभी का सभी आपको कर लेना है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे, राइटिंग डाटा टू मोबाइल ऑल डन, तो हमारा मोबाइल जो है सक्सेसफुल ऑन हो चुका है। तो ये देखिए दोस्तों हमारा जो मोबाइल है यहाँ पे हमें कंप्लीट जो है अनलॉक कर दिया है। हमारा जो मोबाइल का अमाई अकाउंट जो है वो हमने रिमूव कर दिया है। अभी हम चेक करेंगे कि हमारा जो मोबाइल का प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हुआ है या नहीं। तो चलिए अभी हम थोड़ा वेट करेंगे दोस्तों, अब हम वेट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ टाइम लगने वाला नहीं है ऑन होने में, तो जल्दी ही हमारा जो मोबाइल है ऑन हो जाने वाला है। तो ये देखिए दोस्तों बैक ढक्कन आपको उतार लेने, और आपको मैं बता दूँ यहाँ पे फ्री में करना पड़ेगा, आपको कोई भी टूल की ज़रूरत नहीं रहेगी। जो भी टूल की रिक्वायरमेंट है दोस्तों उसका मैंने क्रैक वर्जन सब कुछ दिया हुआ है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे। जो भी आपका कंट्री रहेगा दोस्तों वो चूज कर लेना है आपको। वेट करेंगे यहाँ पे थोड़ा, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ओके करेंगे फिर से। अगर इसमें FRP लॉक अगर लगा होगा तो हम यहाँ से FRP अनलॉक भी करेंगे, वो भी मैं आपको पूरा का पूरा तरीका बताऊंगा दोस्तों। अगर इसमें FRP लॉक नहीं लगा होते तो हम ओनली थोड़ा अच्छा लुक देने वाले हैं, अप्लाई किया हमने। तो एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो ये मैं दिखा देता हूँ आपको दोस्तों कौन सा है, ये देखिए 11 है। देखिए यहाँ पे लोड हो रहा है एप्लीकेशन का, तो वेट करेंगे थोड़ा और। तो ये देखिए दोस्तों अभी हम कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली जो हमारा मोबाइल है वो ऑन हो चुका है। ये देखिए अभी देखिए दोस्तों हमारा जो मोबाइल है कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। इसकी बात करें अमाई अकाउंट की तो मैं अमाई अकाउंट दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए दोस्तों हमारा अमाई अकाउंट जो है वो कुछ भी नहीं है अभी। और पासवर्ड की बात करें तो पासवर्ड भी हमारा जो है रिमूव हो चुका है। FRP लॉक की बात करें तो FRP लॉक भी हमारा ओके हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।